वेलकम टू श्री कर्णी अकेडमी एंड एजुकेट माई सेल्फ मोनिका शर्मा योर इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। क्लास ट्वेल्थ की नोबल नेचर की पोएम में आप सबको वेलकम है। और इसी नोबल डीड के साथ में अपन अपने इस पोएम को स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ द पोएम। द नोबल नेचर मीन्स उदार प्रकृति। नेचर को क्या सिम्बलाइज करते हैं आप? कि नेचर नहीं होती तो हाउ इट्स पॉसिबल वी कैन सर्वाइव, है ना। लेकिन यही नेचर जो है अपने को ऐसे बहुत से एग्जांपल्स दे देती है जिससे कि अपने को लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। तो ये एक जो छोटी सी पोयम है ये अपने को बहुत बड़ा लेसन दे के जाएगी आज, जिससे कि वाकई में लगेगा कि हाउ द थिंग्स आर वेरी यूजफुल टू अस। कि नेचर ने जो चीज़ें दी है वो किस तरह से अपने को लेसन देती है। कि पानी का झरना बहता है वो भी एक लेसन देता है, सूर्य निकलता है वो भी एक लेसन देता है, और अपन अपने नेचर में जो सर्वाइव कर रहे हैं वो भी एक लेसन अपने को मिल रहा है। तो बिफोर स्टार्टिंग द पोयम वी कैन स्टार्ट विद द आर ऑथर एंड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोयम। बेन जॉनसन। बेन जॉनसन वॉज एन वर्सटाइल एंड डोमिनेटिंग लिटरेरी पर्सनैलिटी। वर्सटाइल मीन्स के बहुत बड़े और डोमिनेटिंग लिटरेरी टर्म्स मीन्स आप जिसमें पढ़ते हैं कि फोनिक वर्ड्स एंड देज आर द वर्ड्स, द फोनिक वर्ड्स हो गए, और फिर उसके बाद में आप लिटरेरी टर्म्स जो देखते हैं, फ्रेजेस देखते हैं, दैट इज़ द लिटरेरी प्ले राइट पोएट एक्टर एंड क्रिटिक ऑफ 17th सेंचुरी। ही इज आइडेंटिफाई हिज ब्रिलियंट क्लासिकल एंड रियलिस्टिक कॉमेडी। ही इज मेमोरेबल कॉमेडीज ऑफ वेपलिन। बहुत अच्छी पोएम है द अल्केमिस्ट एंड द साइलेंट वूमेन। नोबल नेचर जो है, ये तो बेन जॉनसन का इंट्रोडक्शन हो गया। नोबल नेचर जो है वो एक शॉर्ट लिरिक कंपोज करने वाले हैं जिन्होंने मीनिंग एंड मैसेज दिया है ह्यूमिनिटी को लेकर और उनकी डीड्स को लेकर। ये पोएम अपने को एक मीनिंगलेस अनप्रेसिव लॉन्ग लाइफ के साथ में एक शॉर्ट फुली हीरोइक वर्च्यूज को बताती है। जॉनसन वाइडली डिसिमेट करता है दैट द वर्थ ऑफ ह्यूमन लाइफ इज मेजर्ड नॉट इन ईयर्स। कि अपनी जो जिंदगी है वो ईयर्स में मेजर नहीं होती है कि मैंने इतने साल जी जो मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, है ना, बट ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट, आपने क्या हासिल किया, दैट इज द इम्प्रिंट ऑफ द इंटायरिटी ऑफ द टाइम। यही उसकी एंटायरिटी को शो करता है। सो लेट अस बिगिन विद द पोयम। अगर मैं कहती हूँ कि मैंने अपने ज़िंदगी में 5 साल निकाल दिए, लेकिन मैंने इन 5 सालों में हासिल क्या किया? नथिंग। और अगर कोई कहता है कि मैंने मेरी ज़िंदगी के 3 साल निकाल दिए लेकिन मैंने जो है एक अच्छी पोस्ट हासिल कर ली, मैं एक अच्छी जॉब पर काम कर रही हूँ, तो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि किसका एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा है। तो 5 साल निकालने वाला क्रॉस हो गया, 3 साल निकालने वाला राइट हो गया। क्यों? क्योंकि जिंदगी जितनी जी रहे हैं उसके साथ एक्सपीरियंस क्या कर रहे हैं वो ज़्यादा वर्थ ही है, ठीक है ना। कि ऐसा नहीं है कि हमने इतने साल ज़िंदगी निकाल दी बस हो गया भाई हमारा, लेकिन आपने किया क्या, इतने सालों में आपने क्या प्रोसीड आउट किया, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। सो एक बहुत छोटी सी पोयम आपको क्या लेसन देती है, लेट अस बिगिन। इट इज़ नॉट अ ग्रोइंग लाइक अ ट्री। के ऐसा नहीं है कि वृक्ष के समान बढ़े, इन बल्क बोथ मेक मैन बेटर बी। कि इंसान किस तरह से बेटर बनता है, और स्टैंडिंग लॉक एंड ऑक। कि ओक का पेड़ जो होता है, ओक का ट्री, ओक का जो पेड़ होता है, कि आप बहुत बड़े होते जा रहे हैं, लंबे होते जा रहे हैं, स्टैंडिंग होते जा रहे हैं ओक की पेड़ की तरह, जिसकी ज़िंदगी 300 साल की है, 300 ईयर्स की जिसकी लाइफ है। टू फॉल अ लॉग एट लास्ट, और जिसका एक बड़ा सा महान गट्ठा है, मतलब जो उसकी स्टेम है वो बहुत मोटी सी एक गट्ठे के फॉर्म में है, ड्राई सूखी हुई है, ब्लेड है और सैरी है। तो क्या काम की वो ज़िंदगी, कि आपने अपनी लाइफ के कितने साल निकाल दिए, 300 साल निकाल दिए, है ना। कि आपने अपनी लाइफ के कितने साल निकाले, 300 साल निकाले, और उन 300 सालों के अंदर आपने क्या किया वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने इन 300 ईयर्स में क्या किया? तो ओक ट्री ने क्या किया, ओक ट्री पता है बिल्कुल स्ट्रेट बढ़ता है इस तरह से, और ये फैलता भी नहीं है। तो जब ये फैलेगा नहीं तो ये 300 साल पुराना है और किसी को छाया देने का काम भी नहीं कर सकता है, तो ऐसा पेड़ क्या काम का। इसकी ये फैलता नहीं है, इसमें कोई पक्षी अच्छे से घोंसला बनाकर नहीं रह सकता, तो ऐसा पेड़ क्या काम का।
ये लंबा होता चला जाता है, इसका जो लकड़ी का गट्ठा है वो इतना 300 सालों में सूख जाता है कि जब ये नीचे गिरता है तो वो लकड़ी भी कुछ काम की नहीं होती है, ठीक है, कि जब ये नीचे गिरता है तो लकड़ी भी कुछ काम की नहीं है, तो ऐसा बड़ा होने का क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं है। इन डेली इन इन द लिली ऑफ डेज फेयर इन द मे, के जो एक लिली का फ्लावर है जो कि मई के महीने में खिलता है, ऑल दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, और थोड़े टाइम बाद रात को जब नीचे मुरझा कर गिर जाता है, ये वो प्लांट है कि जो हमें एक लाइट देता है, लाइट इन द सेंस के हमको अपनी तरफ खींचता है इन स्मॉल प्रपोर्शन। अगर हम कहें वी जस्ट ब्यूटिफाइज सी, कि हम सुंदरता को देखते हैं, एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में भी परफेक्ट भी, और इस तरह से हम अपनी लाइफ को परफेक्ट कर सकते हैं। कैसे? कि एक सौंदर्य जीवन जो कि प्रसन्नता से जिया जाए, और वो छोटा सा फूल जब खिलता है तो एक खुशी दे देता है, और इसी के साथ में वो अपनी जिंदगी, मतलब रात को नीचे भी गिर गया लेकिन उसने एक स्माइल दे दी, एक अवधि उसकी जो थी वो बहुत कुछ देके गई अपने को, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। ये एक मानवता का संदेश है इस पोएम के द्वारा, कि आयु श्रेष्ठ नहीं है, आयु इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने उस समय में क्या हासिल किया वो ज़्यादा श्रेष्ठ है, ठीक है, कि उस समय में आपने क्या हासिल किया वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। जैसे आकाश में वृक्ष के समान विकसित हो जाना, ठीक है, मानव को महान नहीं बनाता है, आप आकाश के समान विकसित हो गए वो आपको महान नहीं बनाता है। एक ओक का पेड़ 300 साल तक जी रहा है तो वो आपको महान नहीं बना रहा है। लंबा जीवन, विशाल आकार किसी व्यक्ति की महानता का एक एग्जाम्पल नहीं बन सकता, जबकि महानता का एग्जाम्पल क्या बनता है कि आपने किसको खुशी दी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कितने भी छोटे हैं लेकिन अगर आपकी वजह से किसी के फेस पर एक ब्यूटीफुल सी स्माइल आई, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अब वो ओक का पेड़ इतना बड़ा लंबा है कि कोई धूप लेने, छांव में आने के लिए अगर उसके नीचे खड़ा होता है तो उसको छांव भी नहीं मिलती, तो ऐसा पेड़ क्या काम का? वो 300 साल में उसका लॉग इतना सूख जाता है कि जब वो गिरता है तो उस लकड़ी को किसी चीज में यूज नहीं ले सकते, तो वो किस काम का? लेकिन एक लिली का फ्लावर जब खुलता है तो कितना ब्यूटीफुल लगता है, कि वो कहीं ना कहीं अपन यूज ले ले सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। तो जो चीज आपको सुंदर सुकून दे, आपको जीवन में चाहे कितनी भी छोटी अवधि उसने क्यों नहीं जियो, लेकिन आपको उसकी अवधि पूर्ण होने पर एक खुशी मिले, तो दैट इज द लेसन। कि इसी से आपको बेन जॉनसन ये लेसन देना चाहते हैं, कि आप ये सोचते हो मैं बहुत बड़ा हो गया, मैंने यहाँ तक ये कर लिया, मेरा वो हो गया, लेकिन उसके बाद आपने हासिल क्या किया? आपने पढ़ लिया लेकिन आपने अगर अच्छी जॉब हासिल नहीं की तो हाउ इट्स पॉसिबल, है ना? तो कोई मतलब नहीं है ना उसके लिए, कि आप पढ़ के घर पे बैठे हो और पापा जो पेंशन दे रहे हैं उसे आप खाना खा रहे हो, तो दैट इज पॉसिबल, क्या ये आप सही काम कर रहे हो? लेकिन आपने पढ़ लिख लिया, जॉब का वेट नहीं करके कहीं पे छोटी जॉब कर ली, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वो जो पैसा आप उनके हाथ में दोगे वो उनके फेस पर स्माइल देगा, वो चीज उनके फेस पर स्माइल नहीं देगा कि आप इतने बड़े होकर घर में बैठे हो। तो दैट इज द लेसन। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड एंड एंजॉय विथ मी बींग विथ अस एंड फॉलो द करनी अकेडमी। थैंक यू फ्रॉम माई साइड, योर इंग्लिश एजुकेटर मोनिका शर्मा। थैंक यू सो मच।